नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। निजी परिवहन सेवा में लगी शताब्दी ट्रेवल्स के कर्मचारियों की लापरवाही और गुंडई आई सामने। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां नोएडा परिचौक से राट के लिए जाने वाली शताब्दी ट्रेवल्स की बस में परिचौक से मोदहा के लिए बैठी चार सवारियों को बीच रास्ते में शौच क्रिया के लिए उतार दिया और बस भगा कर ले गए। सवारियां काफी दूर तक दौड़ने और आवाजें देने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी गई। थक हार कर यात्रियों ने डाल 112 को सूचना दी और पैदल पैदल चल दिए। गनीमत यह रही कि एक ट्रक वाले ने इन सवारियों को लिफ्ट देकर जालौन पहुंचाया। सवारियों के मुताबिक उन्होंने जब बस चालक और परिचालक को फोन किया तो उल्टा गाली गलौज करने लगा और कहा कि बस नहीं रुकेगी। फिलहाल डायल 112 के कर्मचारियों ने चारों सवारियों को दूसरी बस से उरई तक भेजा और कंट्रोल रूम को सूचना देकर उस बस से उरई में उन सवारियों का सामान उतरवाकर एक दुकान में रखवाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर शताब्दी ट्रेवल्स के कर्मचारियों की मनमानी का खामियाजा इन सवारियों को क्यों भुगतना पड़ा और ऐसे दोषी बस चालक और परिचालक पर आखिर कार्यवाही कब होगी। जालौन से देवेश कुमार, स्वर्णकार की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें जालौन मेट्रो। धन्यवाद। क्या क्या सामान हमारे चारों आदमी के बैग बैग रखे हैं, कपड़े लगते हैं अपने, यही चार्जे फार्जे, ज्यादा कोई महंगी चीज तो है नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। मतलब बस वाले ने आप लोगों को रास्ते में छोड़ दिया? रास्ते में छोड़ के हाथ दे दे देते सामान हाथ उतार रहे थे। तो वहीं होटल था तो हमने बोतलें ली, हमने फ्रेश रहे, कोई लगेज का सामान आता है प्राइवेट में हाथ ये बाहर उतार देते हैं, शहर में ना उतारने की वजह से, प्लस की वजह से बाहर उतार देते हैं, होटल पे उतार है सामान। हमने सोचा हमें लेटरिन बाथरूम लगी करने, जब तुम्हें सामान उतारने का टाइम है तो कम से कम बंदर लेटरिन बाथरूम तो नहीं रोक सकता, ये ऐसी चीज।